हेलो एवरीवन, राम राम। तो कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और थोड़ा सा कॉलेज का भी वर्कलोड था, सो मैं व्लॉग नहीं लेके आ पाई। और यहाँ पे मतलब कनाडा का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाए और फिर आपको हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक करना हो, कुछ भी करना हो, तो ऑलमोस्ट लाइक 3 से 4 दिन लग जाते हैं। यहाँ का हेल्थ केयर थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं है, इंडिया जैसा नहीं है कि तुरंत जाओ और आपका हो जाएगा। सो मैं जब इंडिया से यहाँ आई थी तो बेसिक मेडिसिंस का एक बॉक्स जो है वो मैंने अपने साथ कैरी किया था, तो मैंने बस उसी में से दवाई ली है, प्लेन पैरासिटामोल। तो आज मेरे को थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, तो सोचा कि आज आप लोग के साथ एक व्लॉग पक्का शेयर करूँगी, छोटा ही सही बट जो कुछ भी है। ये सारी मेडिसिंस है जो मैं इंडिया से लेके आई थी, तो आज मतलब इतने दिन के बाद मैंने इसमें से कैल्पॉल फर्स्ट टाइम लिया है। मतलब मैं अवॉइड ही करती हूँ लेना, थोड़ा काढ़ा वाढ़ा पी के कर लेती हूँ, बट इस बार ऐसा था कि कॉलेज का भी बहुत सारा काम था और मेरे को ज़रूरत थी। ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी पड़ी है, मैंने कभी इनको टच भी नहीं किया है। पता नहीं अभी ये सब मेरे पापा जी ने जब मैं आई थी यहाँ तब मेरे साथ दिया था, तो ये एजिथ्रोमाइसिन और ये बाम वगैरह ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो मैं इंडिया से लेके आई थी और फर्स्ट टाइम मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी। मेफ्ताल कभी कभी लगता है तो मैं ले लेती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट तो अभी तक सारे मेडिसिन ऐसे ही पड़े और आई विश इनको टच करने की ज़रूरत ना पड़े। तो कल जो मतलब परसों मैंने जो स्टोरी शेयर की थी सभी लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे कि मैं कनाडा में परफॉर्म करने जा रही हूँ मेरी फर्स्ट पोएम यहाँ पे, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आए। बहुत सारे लोगों ने, मेरे सीनियर्स, जूनियर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मेरी मम्मा ने मतलब जब मम्मा को पता चला तो उन्होंने सारे जो मतलब फैमिली है मेरी, जो मेरा एक फैमिली चांडक फैमिली का ग्रुप है और फिर मेरे मामा जी मासी का जो एक उस साइड का ग्रुप है वहाँ शेयर किया, फिर हमारे एरिया के ग्रुप में मम्मी ने ये न्यूज़ सबके साथ शेयर की। तो हर जगह से मतलब मम्मी पापा को बधाई आ रही थी और मेरे को मम्मी बता रही थी कि हम शारदा और शताक्षी को स्टेशन छोड़ने के लिए गए थे, वो लोग पुणे के लिए निकल रहे थे, तो मम्मी बोल रही थी कि लोगों ने मुझे पापा को रुक के बधाई दी। तो मतलब मम्मी कैसा था कि हमको इतना प्राउड फील हो रहा है कि मतलब हमारी बेटी जहाँ पे भी हो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मतलब जब मम्मी ये चीज़ मुझे बता रही थी तो मुझे भी इतनी खुशी हो रही थी। मतलब खुद से ज़्यादा जब आपके पेरेंट्स को अप्रिसिएशन मिलता है ना तो वो खुशी थोड़ी अलग होती है। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मुझे भेजे, कुछ लोगों ने बताया कि आज हमने घर पे हमारे फैमिली को बताया है कि मेरी एक फ्रेंड है उसको कनाडा में वो परफॉर्म कर रही है, ब्ला 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 जो भी कुछ है, तो सब लोग इतना खुश थे। उसके बाद लोगों ने ब्लॉग्स को लेके भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली। पहले मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था शायद ब्लॉग इतने लोग नहीं देख रहे हैं या कुछ, बट मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बट डेफिनेटली जो मेरे अपने हैं और जो मेरे बहुत क्लोज है वो लोग देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं ब्लॉग के साथ जो मैसेज कन्वे करना चाहती थी ना वो कुछ लोगों तक वो लोगों को हिट हो गया, वो लोगों को समझ आ गया कि मैं एग्जैक्टली क्या शो करना चाहती हूँ। तो मुझे उस चीज़ की खुशी थी कि बिन बताए अगर लोगों को समझ जाए कि आप एग्जैक्टली क्या दिखाना चाहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत लोगों ने तारीफ़ की कि आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है फैमिली, तेरा कॉलेज वर्क जो भी है, स्टडीज़ वगैरह सब कुछ अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा करिकुलम में भी तू आगे है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि देख के बहुत अच्छा लगता है दैट यू एंड कल्पेश यू बोथ कुक टुगेदर, वर्क टुगेदर, और मतलब तुमको देख के हम लोग को बहुत खुशी होती है कि मतलब ऐसा कपल होना चाहिए कि एक दूसरे को हेल्प करे और आगे बढ़े। आई नो इंडिया में शायद कुछ लोगों को देख के ये अच्छा नहीं लगता होगा, बट जो कनाडा में है ना डेफिनेटली वो इसको रिलेट कर पाते होंगे क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है वो ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं हमेशा जब भी कोई इवेंट में भी जाती हूँ आई ट्राई टू शो इट टू यू कि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को हेल्प करता है, यहाँ सिस्टम ही वैसा है क्योंकि यहाँ पे हर काम करने के लिए कोई पर्सन नहीं है, आपको ही करना है। और अगर एक पर्सन सभी चीज़ करने लगेगा तो नहीं चलेगा यहाँ पे, तो दोनों लोग करते हैं और मैं और कल्पेश तो खुशी खुशी साथ साथ काम करते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है, हम दोनों की कंपनी इंजॉय करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को लग रहा था कि शायद लोगों को अच्छा नहीं लगे देखने में मैं, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर कभी वोकल होती भी नहीं थी, मैं अपना काम करती थी, जिन्हें अच्छा लगे लगे, ना लगे ना लगे। बट जब कल अपने दोस्तों से बात हुई तब सबने अप्रिशिएट किया और उन लोगों तक ये बात पहुंची और उन्होंने बोला कि हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है दैट यू आर चेंजिंग द पर्सपेक्टिव लोगों का बाहर कि ऐसा भी होना चाहिए लाइफ में, आपको ऐसा भी चीज़ें करनी चाहिए एक साथ मिलके। सो मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद
कल्पेश और मेरा हमेशा से ऐसा ही रहा है कि हम लोग जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आई थी, मेरा कॉलेज नहीं था तब तो मैं सब कुछ खुद कर लेती थी, बट जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा कॉलेज इवनिंग में रहता है। तो अगर मैं सुबह का कर भी लूँ तो शाम को जो है वो 10:30 बजे मेरा कॉलेज ख़त्म होता है, तो मैं इन बिटवीन कुछ नहीं कर पाती हूँ। और अभी मेरा जो मेन मोटो है वो मेरा कॉलेज है, मेरी स्टडीज़ है। अगर उसके बीच में मैं ये सारी चीज़ें करने लगूँगी तो मैंने यहाँ पे एक अच्छी मतलब फ़ीस भर के मैंने लिया है सब कुछ इतना, तो मेरे को उससे डिविएट नहीं होना है, मतलब वो चीज़ मुझे अच्छे से करनी है। तो मैं शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा खाने पे फोकस नहीं कर पाती हूँ। तो जब मेरा हो जाता है कॉलेज, उसके बाद फिर मैं कल्पेश को जाके हेल्प करती हूँ। तो ऐसे हम लोग अपना जो डेली रूटीन है वो सेट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ये सब चीज़ों में कि कल्पेश ने मुझे कभी कोई चीज़ करने से रोका नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आज मैं जो फर्स्ट यहाँ पे परफॉर्म भी करने जा रही हूँ, मैं उसका क्रेडिट भी कल्पेश को दूंगी क्योंकि कल्पेश मुझे कभी कोई चीज़ करने से रोकते नहीं, कभी नहीं। बिकॉज़ उनको पता है मैं जो कर रही हूँ, मैं किस वे में कर रही हूँ, मेरा थिंकिंग क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, ही नोज़ मी वेरी वेल नाउ। तो वो मुझे कभी नहीं रोकते किसी चीज़ के लिए। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं उनसे फर्स्ट डिस्कस करती हूँ कि कल्पेश ऐसा ऐसा है, आज मैं ये करने का सोच रही हूँ। इवन अगर मुझे कोई ब्लॉग भी बनाना होता है तो मैं फ़र्स्ट कल्पेश के साथ डिस्कस करती हूँ कि मैं आज ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, तो आपके इस पर क्या थॉट है। एंड कल्पेश का एक होता है, अगर तूने सोचा है इट मीन्स इट परफेक्ट, गो अहेड। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है और ट्रस्ट मी, कल्पेश के सपोर्ट के बिना मैं शुरू ही नहीं कर पाती। और ये व्लॉग का जर्नी तो जो है ये मैंने मेरी छोटी सिस्टर शारदा के कारण शुरू किया है, तो आज उसको क्रेडिट देना ज़रूरी है इस जर्नी का सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसी का सबसे ज़्यादा मैं स्टार्टिंग में जब आई थी तब से शुरू था, बट मुझे मौका नहीं मिला करने के लिए। बट कल्पेश मुझे इस व्लॉग के जर्नी में कल्पेश भी बहुत सपोर्ट कर रहे क्योंकि वो यहाँ पर है। और मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, बट यही है कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये सब नहीं कर पाती। सो आज का ब्लॉग बस लाइक ऐसे ही है कि बस सभी से जो अप्रिसिएशन मिला वो शेयर कर रही हूँ, कौन हेल्प कर रहा है वो बता रही हूँ। साथ ही साथ एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना भूल गई कि जो मेरे बड़े पापा है ही इज़ ऑल्सो राइटर, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। हाल फिलहाल में ही 3 दिन पहले अयोध्या से प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके लौटे हैं। तो जब उनको ये पता चला कि मुझे कनाडा में ऐसा मौका मिल रहा है तो 2 बजे यहाँ पर मुझे उनका कॉल आया तुरंत से, और मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी दोनों ने मुझे बधाई दी और इतने खुश हुए। मेरे बड़े पापा ने मुझे एक चीज़ बोली कि मेरे को खुशी है इस चीज़ की कि मेरे धरोहर कोई आगे लेके जा रहा है। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से कि जब आपकी फैमिली आप पे प्राउड करती है ना, बाकी लोगों का तो खैर छोड़िए, बट पेरेंट्स और आपकी फैमिली, इनको आप पे प्राउड होना बहुत ज़रूरी है। और जब अगर लाइफ में अगर ये चीज़ें आपको मिल जाए तो आप समझिए आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। उसके बाद मेरे को पापा ये चीज़ बोल रहे थे, मतलब वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं अब मर भी जाऊँ ना तो मेरे को ये खुशी रहेगी कि मेरे जो बच्चे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही तरफ जा रहे हैं, तो मैं सुकून से मतलब मर सकता हूँ। तो वो चीज़ मतलब इतनी इमोशनल थी, इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे को पता नहीं था उस टाइम कि उनके सामने मैं कैसे रिएक्ट करूँ। फिर उन्होंने बस यही बोला कि तुम बस आगे बढ़ो, अपने भगवान का हाथ थामे रहो, बाकी सब ऊपर से देख रहे हैं, सब अपने आप होता रहेगा। एंड ये सच में सही बात है कि सब अपने आप होता जाएगा, कुछ मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जब तक वो है तब तक सब सही होगा, बोलते हैं ना, हुई सोई जो राम रची राखा, को करु तर्क बढ़ावे साखा। तो बस उन्होंने जो रच रखा है वही होगा। और बस अभी मैं फ़िलहाल अपने कॉलेज में थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मतलब जो मेरा परफॉर्मेंस है वो तो नेक्स्ट वीक है, तो अभी बस यही प्लान है कि एक बार कॉलेज की चीज़ें ख़त्म कर दूँ और फिर नेक्स्ट वीक थोड़ा सा एक बार अपनी चीज़ों का प्रैक्टिस करूँगी थोड़ा बहुत, और फिर जो भी कुछ रहेगा वो तो पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। तो आज का तो ऐसा कोई ये व्लॉग नहीं था, बट ये सब आप लोगों के लिए ही था बताने के लिए। बस ऐसे ही आपका साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। राम राम।